ये जो आप क्रीम देख रहे हो ना, ये अभी अभी सेल हुई है और इसकी डिमांड मेरी शॉप में बहुत ज्यादा रहती है। अभी बैठते हैं, वेट करते हैं कस्टमर का, देखते हैं कोई आता है कि नहीं आता है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बट मेरी जो तबीयत है दो दिन से इतनी अच्छी नहीं थी, जिस वजह से वीडियोस भी नहीं आ रही थी और कल मैं शॉप में भी नहीं आई थी क्योंकि मुझे काफी ज्यादा मतलब हेडेक हो रहा था, कोल्ड हो गया था, तो इस वजह से मैं शॉप में नहीं आई थी। और बाहर बहुत अच्छा मौसम था कल, कल काफी अच्छी धूप निकली हुई थी और मैं धूप में ही, जो सारा दिन है मैंने धूप में ही बैठ के बिताया कल। और कल मुझे कॉल आई, कल कस्टमर्स काफी आए थे तो कल अच्छा दिन था तो कस्टमर्स भी आए थे और कॉल आई मुझे कि हमें कुछ सामान चाहिए अर्जेंटली, हमें कहीं कल जाना है। तो एक्चुअली वो मेरी फ्रेंड्स ही थी तो मैंने उनको कहा कि आप कल ले जाना सामान क्योंकि आज मैं शॉप में नहीं आऊंगी, कल सुबह आप ले जाना सामान अगर आपको दिन के टाइम जाना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप रेस्ट करो। तो आज मैं शॉप में आई हूं और मैंने उनको कॉल करके आज बुला लिया था कि आप ले जाओ सामान, तो अभी अभी वो आए थे और सामान लेके चले गए। तो सुबह की जो बोनी है वो हो गई है और आज जो है ना मौसम बहुत ज्यादा खराब है। सो गाइज, आज है गुरुपूरब। गुरुपूरब की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको बैकग्राउंड में आवाज भी आ रही होगी, गुरुद्वारे में पाठ हो रहा है। गुरुद्वारा मेरी शॉप के जस्ट साथ में ही है तो वहां से आपको नॉइसेस आ रही होंगी। तो अभी इस वक्त मैं शॉप में हूँ, अभी जाऊंगी मैं गुरुद्वारा थोड़ी देर बाद। और इस टाइम जो है बहुत ज्यादा मतलब मौसम जो है खराब है। आज थोड़ी बहुत बारिश भी हुई थी सुबह के टाइम, तो मैंने पहले सोचा था शॉप में जाऊं कि ना जाऊं, बट फिर मन बना लिया कि चलो चलते हैं क्योंकि बारिश रुक गई थी और फिर उसके बाद थोड़ा सा ठीक मौसम हुआ था, बट अभी फिर से मौसम जो है खराब है, बारिश कभी भी हो सकती है। तो अभी बैठते हैं, वेट करते हैं कस्टमर का, देखते हैं कोई आता है कि नहीं आता है। A few moments later. So guys, काफी ज्यादा वेट करने के बाद फाइनली कस्टमर्स आए और थोड़ा बहुत सामान लेके गए हैं, ज्यादा कुछ नहीं लेके गए हैं। सो जो अभी कस्टमर आया वो लिपस्टिक लेके गए हैं, ये ग्लॉसी लिपस्टिक है। और क्रीम देख रहे थे बट उन्होंने कहा अभी नहीं चाहिए क्रीम, तो ये मैंने क्रीम दिखाई थी उनको बट उन्होंने नहीं ली। और ये वाली जो कॉम्ब है, ये वाली कॉम्ब लेके गए हैं, काफी अच्छी क्वालिटी की कॉम्ब है आप देख सकते हो। और इसके पीछे जो MRP है वो 50 रुपीज लिखा हुआ है बट मैं इसे 30 रुपीज में सेल करती हूँ क्योंकि इससे कस्टमर ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि जो इसकी खरीद है ना वो कम है, मतलब इतनी ज्यादा नहीं है कि किसी को 50 रुपीज में सेल करें। तो अगर कस्टमर देखते हैं ना MRP वो कहते हैं वाओ 50 रुपीज की आप 30 रुपीज में दे रहे हो, तो वो खुश हो जाते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजों का भी आप ध्यान रखिए, जो चीज आपको कम रेट में मिल रही है वो आप बहुत ज्यादा रेट में मत बेचें, इससे कस्टमर खराब होके, तो आप थोड़ा बहुत लेस करके इस तरह से दे दीजिए। तो इसमें मैंने लेस नहीं किया, इसका मैंने रेट ही 30 रुपीज रखा हुआ है, मैं हर किसी को 30 रुपीज में ही देती हूँ क्योंकि इसकी खरीद कम है। और ये वाली जो नेल पेंट है, इसमें से एक नेल पेंट सेल हुई है और ये जो नेल पेंट है ना ये है कॉफी कलर की नेल पेंट, और कॉफी कलर की नेल पेंट बहुत ज्यादा इस टाइम डिमांड में है। मैंने भी, जैसे आप देख सकते हो, मैंने भी कॉफी कलर की ही लगा रखी है और इसमें अलग अलग शेड्स हैं कॉफी के, सेम शेड नहीं है, अलग अलग शेड्स हैं, बट कैमरे में ऐसे लग रहा है कि सारी जो है सेम शेड्स हैं बट अलग अलग शेड्स हैं। बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया है कि मैं जो कलर सबसे ज्यादा सेल होते हैं ना उनके पूरे पूरे बॉक्स लेके आती हूँ, जैसे कॉफी कलर की डिमांड ज्यादा होती है तो कॉफी कलर का पूरा बॉक्स लेके आती हूँ, रेड कलर की डिमांड ज्यादा होती है रेड कलर का लेके आती हूँ, व्हाइट की होती है, ब्लैक की होती है, मेहरून की होती है, तो इनके मैं सबके एक एक बॉक्स लेके आती हूँ, बाकी मैं अलग कलरफुल्स लेके आती हूँ। तो इस तरह से कस्टमर काफी ज्यादा खुश रहते हैं क्योंकि उनको सारे शेड्स उनको अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि अगर हम एक कलर फुल का लेके आएंगे उसमें कोई एक या दो पीस होगा कॉफी कलर का और कॉफी कलर की डिमांड ज्यादा रहती है, तो इसलिए मैं पूरा बॉक्स लेके आई हूँ। और ये अच्छे सेल होते हैं, अभी ये सेकेंड बॉक्स है इस मंथ का। So guys, one more thing, ये जो आप क्रीम देख रहे हो ना ये अभी अभी सेल हुई है और इसकी डिमांड मेरी शॉप में बहुत ज्यादा रहती है। इस क्रीम का नाम है स्किन अलाइव ए। एक्चुअली ये कस्टमर की डिमांड पे ही मैं लेके आई थी, मेरे यहाँ पर जो ज्यादातर कस्टमर है ना उन्होंने मुझे बताया कि ये जो क्रीम है काफी ज्यादा अच्छी है,
तो आप ये रखो अपनी शॉप में। तो मैंने ऐसे नहीं रखी शॉप में, पहले मैंने अपने ऊपर ट्राई किया। मैं ऐसी कोई चीज नहीं बताती हूँ कि आप यूज कर लो। तो मैंने सोचा कि कस्टमर की स्किन ना खराब हो, इसके लिए मैं पहले अपने ऊपर ट्राई करूं। तो मेरे फेस पे काफी ज्यादा पिंपल्स हुआ करते थे, तो मैंने अपनी फेस पे ये लगा के देखी और इसके जो रिजल्ट्स हैं काफी ज्यादा मुझे अच्छे लगे। तो मैंने अपनी शॉप में ये रख ली और उसके बाद मैंने कस्टमर्स को रिकमेंड की। जो भी कस्टमर ऐसे आते थे ना कि हमारे फेस पे पिंपल्स हैं, हमारे फेस पे छाइयां हैं, तो मैं उनको यही क्रीम रिकमेंड करती थी। ये वैसे नाइट क्रीम है और काफी अच्छी क्रीम है, तो मेरे एरिया में तो इस क्रीम की काफी डिमांड है, तो मैं यही क्रीम रखती हूँ। बहुत सारी क्रीम्स भी आती हैं जैसे स्किन लाइट, स्किन शाइन, और इनमें मार्जिन काफी ज्यादा अच्छा होता है, मतलब बहुत ही अच्छा मार्जिन होता है। तो अगर आपके एरिया में इस तरह की डिमांड्स आती हैं तो आप लोग इस तरह की क्रीम्स भी रख सकते हैं। और कई सारी क्रीम में मैंने सुना है ना कि ज्यादा यूज करने के बाद जो स्किन है ना वो निकलने लगती है, बट मैंने ये बहुत ज्यादा, मतलब पूरी एक ट्यूब यूज करी है। जब मेरे फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल्स होते थे तो मैं नाइट में ये क्रीम लगा के सो जाती थी और सुबह फेस वॉश कर लेती थी, और मेरे स्किन जो है बिल्कुल भी खराब नहीं हुई है, बिल्कुल भी मेरे फेस पे कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि स्किन निकली है। तो मुझे तो बहुत पसंद आई ये क्रीम और मैं अपने कस्टमर्स को भी रिकमेंड करती हूँ, उनको भी बहुत पसंद आई है। तो ऐसी क्रीम्स आप लोग भी रख सकते हो और इसमें काफी अच्छा मार्जिन है। सो गाइज, अभी मैं जा रही हूँ गुरुद्वारे और आज का ब्लॉग जो है वो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आता हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। जल्द ही मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एवरीवन।